इंग्लैंड और वहां उससे पहले आयरलैंड, तो वहां जो कुछ भी हुआ आयरलैंड के खिलाफ अब मैच हारे, इंग्लैंड के खिलाफ अब जो है मैचेस हारे, तो उसके बाद ये वाजे हो गया कि बाबर की क्यादत में ये टीम मुत्तहिद नहीं है और खुद बाबर इसका एक हिस्सा है। तो उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि आया कप्तान को क्यों 2 महीने के बाद चेंज किया गया, 3 महीने के बाद चेंज किया गया। दुनिया में कोई ऐसा एक मूड बता दे जो इस तरह की हरकतें करता हो जो पाकिस्तान में होता है, और खुद जो है मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने ये काम क्यों किया। उनको तो टीम को बनाने के लिए दिया था, उनको वर्ल्ड कप पर टारगेट दिया गया था, क्या मोहसिन नकवी अपना टारगेट हासिल करने में कामयाब हुए? पूरी टीम मैनेजमेंट नाकाम हुई। मैं तो ये कहता हूँ पूरी टीम मैनेजमेंट को यहाँ से जाना चाहिए, ना सिर्फ किसी बाबर को आप अगर कप्तानी से हटाते हैं तो ठीक है, बाबर उसका जवाब भी चाहती हूँ फिर आपसे कि बैरिस्टर सैफ कहते हैं जो कि केपी से बिलोंग करते हैं कि टीम की सर्जरी से पहले पीसीबी चेयरमैन की सर्जरी होनी चाहिए। पीसीबी चेयरमैन ने सर्जरी का आगाज कर दिया है और माजी की तरह इस बार भी आगाज कराची से किया गया है। राशिद लतीफ को पीटीवी से फारिग किया गया, एक उस शख्स को जो जो है सच बोल रहा था, जो टीम की खराबियां खामियां की निशानदेही कर रहा था, तो ये बात सरकार को बुरी लगी और सरकार ने राशिद लतीफ का कॉन्ट्रैक्ट जो 2026 तक था उसको खत्म करा के उसे फारिग करवा दिया। तो सर्जरी का आगाज तो कराची से ही हो गया, जिस तरह हम वर्ल्ड कप हारे थे तो सर्जरी का आगाज सरफराज से हुआ था। वो कह रहे थे कि रेटिंग नहीं आ रही थी, इसमें हटाया टीआरपी का मसला था, ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। तो भाई अब वजीर आजम को एक्शन लेना है कि इस मोहसिन नकवी को रुख्सत करके किसी ऐसे शख्स को चेयरमैन बनाया जाए, फुल टाइम चेयरमैन बनाया जाए, पूरे उसको टाइम पीरियड 3 साल का 4 साल का दिया जाए कि भाई आप टीम को बनाए, टीम को चलाए, उसको ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा हो बल्कि उसको क्रिकेटिंग माइंड भी वो हो ताकि टीम हमारी बन सके, किसी दो चार की बातों में ना आए।